हेलो नमस्कार कोविड नाइन्टीन के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही आ, पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा और उस लेसन के जो विषय हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन आज की कक्षा आज का विषय और आज का पाठ आपके स्क्रीन पर बच्चों आप देख ही रहे हैं तो हमारी आज की कक्षा है नौवीं हमारा विषय है आज का गणित भाग पहला और उसमें आज हम देखेंगे अपना एक नया घटक लेसन नंबर फोर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात भाग पहला और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य वी टी सी दादर से चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा और आज की चर्चा में हमारा जो प्रमुख घटक होगा वह है अनुपात व उसके गुणधर्म पर चर्चा करेंगे अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड रेशियो व्हाट इज़ रेशियो एंड इट्स प्रॉपर्टी और दूसरा जो है उस पर हम आज पर चलेंगे समानुपात का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोपोर्शन तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा सबसे पहले अनुपात ध्यान से हम इसे देखते जाएंगे समझते जाएंगे आवश्यकता अनुसार बच्चों से आप नोट करते जाएंगे तो चलिए पहले देखते हैं अनुपात क्या है रेशियो क्या है तो दो पदों का भाग के रूप में तुलना करना अनुपात होता है क्या कहा मैंने दो पदों का भाग के रूप में तुलना करना अनुपात होता है भाग के रूप में मतलब क्या जैसे x और y का अनुपात अर्थात इनका भाग के रूप में तुलना अर्थात x भाग y या यूं कहें x बटे y तो x बटे y को ही x अनुपात वाई कहते हैं एक्स का वाई से अनुपात तो इस तरह हमने देखा अनुपात अर्थात भाग के रूप में यहाँ तुलना हो रही है तो एक्स अनुपात वाई अनुपात का चिन्ह क्या है तो दो डॉट आप देख रहे हैं ऊपर नीचे यह है अनुपात का चिन्ह आगे तो दो पदों का भाग के रूप में तुलना करना अनुपात होता है अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कर लेते हैं जैसे कि बारह लड्डू और पंद्रह लड्डू का अनुपात निकालना है तो दो घटक कौन से हैं दो पद एक है बारह लड्डू दूसरा है पंद्रह लड्डू इनका अनुपात निकालने का मतलब हुआ कि बारह लड्डू बटे पंद्रह लड्डू और यह हो गया चार अनुपात पाँच कैसे हो गया ये तो बारह बटे पंद्रह को हम संक्षिप्त करेंगे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं तो तीन से भाग दिया तीन पचे पंद्रह हो गया और अंश में भी तीन से भाग दिया तो तीन चौक बारह अति संक्षिप्त रूप हो गया ये चार बटे पाँच तो चार बटे पाँच ही हो गया अनुपात का रूप चार अनुपात पाँच आ गया समझ में ना बच्चों तो अनुपात के पहले पद को पहला पद दूसरे पद को दूसरा पद सामान्य तौर पर कहते हैं कभी कभी उसे पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहा जाता है तो अनुपात में दो पद हुए पहला पद दूसरा पद पूर्व पद उत्तर पद चलिए अगला यदि अनुपात का दूसरा पद या उत्तर पद बाद वाला पद सौ हो तो उस अनुपात को प्रतिशत कहते हैं परसेंट प्रतिशत क्या होता है हमने भिन्न में देखा है जिस भिन्न का हर सौ हो तो वही बात यहाँ है दूसरा पद अगर सौ हो तो वह प्रतिशत हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल देखते हैं चार अनुपात सौ तो पहला पद चार लेकिन दूसरा पद सौ है इसका मतलब यह है चार और सौ को लिख देंगे प्रतिशत तो चार प्रतिशत हो गया ये उसी प्रकार एम अनुपात अगर सौ है इसका मतलब यह हो गया एम प्रतिशत चौवालिस बटा सौ है अगर तो भी इसका अर्थ हुआ चौवालिस अनुपात सौ मतलब चौवालिस प्रतिशत फोर्टी फोर परसेंट तो दूसरा पद अगर सौ है तो वह परसेंट या प्रतिशत हो जाता है जैसे कि आप लोग रिजल्ट देखते हो ना सौ में से अगर सत्तर मिला मतलब सेवेंटी परसेंट हो गया ओके आगे यदि अनुपात के दोनों पद में दोनों मतलब पहले और दूसरे शून्य किसी एक ही संख्या से अगर गुड़ा अथवा भाग दें यानी शून्य के अलावा किसी भी एक संख्या से पहले और दूसरे पद में भाग दें अथवा गुड़ा करें अनुपात का मान नहीं बदलता उदाहरण द्वारा समझते हैं ना सीधे सीधे चार अनुपात पाँच है अगर मैं चार और अनुपात पाँच में पहले पद में दो से गुड़ा करूं और दूसरे पद में उसी दो से गुड़ा करूं तो मान बदल कर क्या हो जाएगा आठ अनुपात दस लेकिन ये जो आठ अनुपात दस है यह चार अनुपात पाँच का ही एक रूप है आप देखेंगे आठ और दस को काटेंगे तो फिर से चार और पाँच ही मिलेगा इसका मतलब कि हमने अगर गुणा किया है किसी एक संख्या से दोनों पदों में तो अनुपात का मान नहीं बदलता यानी संक्षिप्त रूप अंत में जाके वही मिलने वाला है दूसरा उदाहरण है अगर मैं चार में इस अनुपात के पहले पद में दस से गुणा करूं दूसरे में भी दस से गुणा करूं तो अनुपात आएगा चालीस और दूसरा हो जाएगा पचास तो चालीस अनुपात पता पचास भी चार अनुपात पाँच के बराबर ही है अर्थात पहले पद में मैं अगर किसी पद के से गुणा करूं और दूसरे पद में भी अगर मैं उसी पद के से गुणा करूं तो जो मान मिलेगा नया अनुपात चार के अनुपात पाँच के यह भी पहला अनुपात जो है शुरू का चार अनुपात पाँच के समान ही है मतलब इसके में मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब हमने क्या देखा कि यदि अनुपात के दोनों पद में शून्यतर एक ही संख्या से गुड़ा हो अथवा भाग देने पर भी अनुपात के मान में परिवर्तन नहीं होता हम भाग भी देंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा मान में आगे अनुपात के दोनों पदों की राशियां तथा उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए अब ये क्या है राशियां और इकाइयां क्या है चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं यहाँ पर मैं चार पद लेता हूँ दो मीटर चार मिनट दस सेंटीमीटर चालीस सेकंड अब यहाँ पर चार पद हैं ध्यान से देखिए तो उसमें हर एक में इकाई अलग अलग है यानी पहले में दो मीटर है इकाई दूसरे में चार मिनट है इकाई तीसरे में दस सेंटीमीटर है इकाई और चौथे में है चालीस सेकंड है इकाई यानी चार इकाइयाँ यहाँ पर है तो इकाइयाँ भी भिन्न भिन्न है राशियाँ देखिए कौन सी हैं तो पहला दो मीटर यानी लंबाई की राशि है दूरी की राशि है दूसरा चार मिनट जो है वो समय की राशि है तीसरा दस सेंटीमीटर ये भी लंबाई या दूरी की राशि है और चौथा जो है चालीस सेकेंड ये भी समय राशि की इकाई है इसका मतलब यहाँ पर दो राशियाँ हैं एक तो लंबाई वाली और एक है समय वाली तो लंबाई की का अनुपात हमेशा लंबाई यानी उसी राशि से अनुपात होगा समय का अनुपात समय के साथ होगा यानी ये दो राशि साथ साथ चलेंगे अर्थात अनुपात किसका किसका होगा तो अनुपात लंबाई की राशि का लंबाई से होगा और समय की राशि का समय से होगा लेकिन अभी भी यहाँ पर अनुपात में अड़चन आएगी क्या इनकी इकाइयाँ अलग अलग हैं कैसे तो एक की इकाई मीटर है दूसरे की सेंटीमीटर फिर एक की मिनट है तो दूसरे की सेकंड है अभी भी इकाई मतलब अनुपात में गड़बड़ी होगी तो अनुपात कब हो पाएगा जब इकाई भी समान कर लेंगे राशि तो हमने चुन लिया जोड़ी बना ली समान, लेकिन इकाई को भी समान करना होगा तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो जो आसान होगा उसी प्रकार मिनट को सेकंड में बदल कर या सेकंड को मिनट में बदल कर एक ही इकाई बनानी होगी चलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो दो मीटर जो हो गया दो सौ सेंटीमीटर के बराबर हुआ और दस सेंटीमीटर पहले से ही है अब दोनों की इकाई सेंटीमीटर हो गई ओके यहाँ पर चार मिनट को मैंने एक मिनट में साठ सेकेंड गुड़ा कर दिया छः चौक चौबीस दो सौ चालीस सेकेंड हो गया और चालीस सेकेंड पहले से ही है यहाँ पर भी इकाई समान हो गई अब हम हमारे पास सही जोड़ी मिल गई है भी दो सौ सेंटीमीटर की का अनुपात दस सेंटीमीटर से हो जाएगा उसी प्रकार दो सौ चालीस सेकेंड का अनुपात चालीस से हम चालीस सेकेंड से ज्ञात कर सकते हैं संक्षिप्त रूप बना सकते हैं बटे के रूप में लिखकर भाग देकर काट कर संक्षिप्त रूप में अनुपात निकाला जा सकता है तो ये अनुपात कब संभव होगा जब उनकी राशियाँ और उनकी इकाइयाँ भी समान हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमने अभी अभी देखा कि अनुपात में राशियाँ इकाइयाँ समान होती हैं चलिए एक उदाहरण देखते हैं 200 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर समान इकाई वाले से अनुपात क्या आएगा देखते हैं संक्षिप्त रूप 10 से भाग दिया एक बार बीस बार सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर है तो वो भी कट गया तो बचा क्या बचा बीस बटे एक अर्थात बीस अनुपात एक बीस और एक का अनुपात हो गया ये इकाई कट गया यानी इकाई बचा ही नहीं चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं दो सौ चालीस सेकेंड और पचास सेकेंड का उदाहरण लेते हैं इनका अनुपात आप कर सकते हैं क्योंकि इनकी इकाई समान है तो अनुपात लेंगे तो 240 सौ चालीस पचास संक्षिप्त रूप देंगे दस से काट दिया तो आ गया सेकेंड से सेकेंड भी कट गया हो गया चौबीस बटा पाँच अर्थात चौबीस अनुपात पाँच तो हमने अनुपात रूप लिख दिया ये क्यों लिखा हमने तो ध्यान से देखिए बच्चों इकाई कट जाती है समान होने के कारण इसलिए अनुपात का अपना कोई इकाई नहीं होता बीस अनुपात पाँच ही कहेंगे न कि बीस अनुपात या बीस अनुपात एक लिखा है तो बीस अनुपात एक ही कहेंगे उसका बीस अनुपात एक सेंटीमीटर नहीं होता प्रकार चौबीस अनुपात पाँच सेकेंड नहीं होता कोई इकाई नहीं होती तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती चलिए तो हमने अभी जो कुछ जाना समझा उसी पर आधारित आपके पुस्तक का प्रश्न संग्रह चार दशमलव एक जो कि पेज नंबर सिक्सटी वन पर है उसके उदाहरण को हम जानेंगे समझेंगे और गुणधर्म को पक्का करेंगे पहला प्रश्न निम्नलिखित उप प्रश्नों में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ना है पहली संख्या का दूसरी संख्या से यानी पहली संख्या पहले दूसरी संख्या बाद में और फिर अति संक्षिप्त रूप लिखना है मतलब अगर वो कटता है तो उसे और छोटा करके हम अति संक्षिप्त रूप बनाएंगे प्रश्न कुछ इस तरह से है पहला दूसरा और तीसरा हम सभी प्रश्न हल नहीं करेंगे हम एक प्रश्न हल करते हैं दूसरा तो दूसरा प्रश्न है अड़तीस और सत्तावन का हमें क्या करना है अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लेना है पहले का दूसरे से है तो पहले अड़तीस फिर सत्तावन उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है अधिक संक्षिप्त रूप लेने के लिए हम उसको बटे के रूप में लिखेंगे अड़तीस बटा सत्तावन उन्नीस से कट जाएगा उन्नीस तिया उन्नीस दुनी तो बचा दो बटा तीन अर्थात यह अनुपात रूप हुआ दो अनुपात तीन तो देख ही रहे हम दो अनुपात तीन हो गया तो अभीष्ट अनुपात या अपेक्षित अनुपात जो है वो दो अनुपात तीन आया प्रश्न दूसरे का आया अड़तीस सत्तावन का अनुपात में दो अनुपात तीन हुआ आ गया समझ में कैसे किया हमने तो शेष जो पहला और तीसरा प्रश्न बच्चा है आप अपने नोटबुक में इसी तरह से हल करेंगे दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखिए तो पहली राशि का दूसरी राशि से अति संक्षिप्त रूप में अनुपात लिखना है तो यहाँ पर उदाहरण दूसरा है चौदह रुपये और बारह रुपये चालीस पैसे ये दो राशियाँ हैं दोनों है मूल्य है रुपये की राशि है चलिए पहली राशि का दूसरी राशि से है मतलब पहली राशि कौन सी है इसमें चौदह रुपये दूसरी राशि कौन सी है बारह रुपये चालीस पैसे राशि तो हो गई लेकिन इकाई देखेंगे तो भिन्न भिन्न है एक में रुपये है एक में रुपये और पैसे दोनों हैं तो हम समान करेंगे तो चौदह रुपये को सौ पैसे से घुड़ा यानी एक रुपये में सौ पैसा तो चौदह रुपये में चौदह गुड़े सौ चौदह सौ पैसा हो गया उसी प्रकार बारह रुपये चालीस पैसे में बारह सौ और चालीस पैसा बारह सौ चालीस पैसा अब देखेंगे दोनों जो है राशियों की इकाई पैसे पैसे हो गई अब हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात याद करने के पहले इकाई को समान कर लेना आवश्यक है तो अनुपात क्या बनेगा पहली राशि चौदह सौ पैसे हो गई और दूसरी राशि बारह सौ चालीस पैसे हो गई इसको हम अगर कर... काटते हैं जीरो जीरो कट जाएगा चार से भाग देंगे चार त्याई बारह चार एक कम चार उसके बाद चार दुनी आठ नहीं चार त्याई बारह चार पच्चे बीस यानी हो गया पैंतीस तो कौन से संख्या बची पैंतीस बटा इकतीस तो पैंतीस बटा इकतीस ये अति संक्षिप्त रूप हुआ इसको अनुपात में लिखेंगे पैंतीस अनुपात इकतीस थर्टी फाइव एम थर्टी वन ये है थर्टी फाइव रेशियो या थर्टी फाइव इज टू थर्टी वन तो अनुपात क्या हुआ पैंतीस अनुपात इक्तीस ये हमारा अपेक्षित अनुपात हुआ बारह रुपये और चौदह रुपये और बारह रुपये चालीस पैसे का ये अनुपात हुआ तो हमने यहाँ क्या देखा राशि दी गई है इकाई अलग अलग हो तो इकाई समान करके ही अनुपात का अति संक्षिप्त रूप बनाएंगे अगर इकाई समान है तब कोई परेशानी नहीं होगी तीसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रतिशतों को अति संक्षिप्त अनुपात के रूप में लिखिए प्रतिशत दिया गया है मतलब क्या या तो उसके अनुपात में सौ होगा दूसरा पद या प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा बराबर है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा तो उसको अनुपात में लिख देंगे बटा सौ लिखा होगा तो हम उसको अतिशत रूप ले देंगे ये प्रश्न है पाँच इसमें से हम कौन सा प्रश्न करेंगे पहला दूसरे में तो सौ सौ लिखा ही है तो पहला हो गया पचहत्तर प्रतिशत दूसरा हो गया चवालीस प्रतिशत हम लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा छः दशमलव दो पाँच प्रतिशत हाँ तो पहला और दूसरा देखिए सौ सौ लिखा ही है तो सीधे सीधे भाग देके इसको संक्षिप्त रूप कर देंगे तीसरे में क्या लिखा है ट्वेंट तो प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट को हम क्या करेंगे पहले उसको बटे में लिखेंगे तो वो हो गया सिक्स पॉइंट टू फाइव ऑन हंड्रेड छः दशमलव दो पाँच बट्टे सौ यह हो गया प्रतिशत का भिन्न रूप अब इसको हम क्या करेंगे दशमलव चिन्ह हटाएंगे दो अंक के बाद दशमलव है तो सौ से गुणा करके हम उसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा दोनों पदों में ऊपर नीचे तो छः सौ पच्चीस बटा सौ गुड़े सौ हो गया दस हज़ार अब इसको हम काट देंगे पच्चीस चौका सौ जीरो जीरो चार सौ हो गया और पच्चीस गुड़े पच्चीस छः सौ पच्चीस और भी कटेगा तो पच्चीस से एक सोलह बार पच्चीस एक कम पच्चीस आप छोटी छोटी संख्याओं से भी काट सकते तो बचेगा एक बटा सोलह यही हो गया अनुपात अग्नि संक्षिप्त रूप एक अनुपात सोलह तो सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट का अनुपात हुआ एक अनुपात सोलह चलिए निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में रूपांतरण कीजिए उल्टा अनुपात दिया गया होगा हमें उसको परसेंट में प्रतिशत में लाना है और प्रतिशत में कैसे लाएंगे तो हमने गुणधर्म जाना था ये अनुपात है ये प्रतिशत में कब होगा याद कीजिए मैंने बताया था यदि अनुपात का दूसरा पद या उत्तर पद सौ हो तो उस अनुपात को प्रतिशत कहते हैं दूसरा पद सौ होना चाहिए और प्रश्न में पंद्रह अनुपात पच्चीस है अर्थात दूसरा पद पच्चीस है सौ नहीं है तो अनुपात को लिख लेंगे पंद्रह बटे पच्चीस लेकिन हमें वहाँ पच्चीस की जगह पे सौ चाहिए तो सौ कैसे बनेगा पच्चीस सौ कब बन सकता है किस संख्या से गुड़ा या भाग देने पे उस वो सौ होगा तो वह चार से गुड़ा करने पे सौ होगा तो ऊपर और नीचे चार से गुड़ा कर देंगे तो अब आ गया पंद्रह चौका साठ बटा पच्चीस चौका सौ साठ बटा सौ अब सौ दिख गया मतलब ये प्रतिशत बन गया हो गया साठ प्रतिशत बटा सौ हट गया प्रतिशत का चिन्ह लग गया तो साठ प्रतिशत हो गया है ना आसान तो प्रतिशत लाने के लिए बट एक सौ होना चाहिए दूसरा पद सौ होना चाहिए उत्तर पद सौ हो तो अपने आप प्रतिशत हो जाता है सॉरी <coughs> <coughs> तो हमने देखा साठ प्रतिशत बन गया निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में रूपांतरण कीजिए और एक उदाहरण लेते हैं हम उदाहरण नंबर चौथा छः सौ पाँच सौ छः सौ और हमें ये पता है अच्छी तरह से अनुपात का दूसरा पद जब तक सौ न हो वह प्रतिशत में नहीं बदल सकता और यहाँ दूसरा पद छः सौ है फाइव फोर्टी सिक्स अपॉन्ट सिक्स हंड्रेड है तो हमें छः सौ को सौ लाना है तो गुड़ा करने पे तो बढ़ जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा छः से भाग देंगे छः सौ में तो सौ आ जाएगा मतलब हम दोनों तरफ ऊपर नीचे छः से भाग देंगे या छः से काट देंगे एक ही बात है वो तो छः से काटेंगे तो सौ आ जाएगा और छः से फाइव फोर्टी सिक्स को काटेंगे तो छः नवा चौवन छः कम छः यानी नाइन्टी वन चार चार 91 आ गया तो अब ये बन गया प्रतिशत क्योंकि नीचे सौ आ गया तो नाइन्टी वन परसेंट इक्यानबे प्रतिशत बन गया ये है ना आसान सा बनाना प्रतिशत में रूपांतरण करना बटे में दूसरा पद जो है वो उसको सौ बनाना है चाहे गुड़ा करके बनाओ चाहे भाग देकर बनाओ चलिए एक शाब्दिक प्रश्न लेते हैं अनुपात से संबंधित ध्यान से प्रश्न को समझेंगे पहले बच्चों प्रश्न समझ जाएंगे बाकी तो हल करना आसान ही है लिखा है आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात दो अनुपात पाँच है वर्तमान मतलब आज की करण जो चालू है अनुपात दो अनुपात पाँच है ये अनुपात है इसलिए उसकी इकाई नहीं लिखी गई है तो आभा और माता यानी आभा पहले माता बाद में तो दो और पाँच है अनुपात आगे आभा के जन्म के समय आभा के जन्म के समय माता की आयु सत्ताईस वर्ष थी तो आभा का जन्म कब हुआ आज उसकी वर्तमान आयु जितनी है उतना साल पहले अगर आज उसकी आयु दस वर्ष है यानी दस साल पहले उसका जन्म हुआ सीधी सी बात है ना बहुत कॉमन सेंस है ये सीधी सी बात है कि आज अगर आपकी उम्र पंद्रह साल है बच्चों तो जन्म के समय यानी आपका जन्म कब हुआ पंद्रह साल पहले तो पंद्रह साल पहले आपकी माता पंद्रह साल और छोटी होंगी कम होंगी आज उम्र अगर पचास साल है तो पंद्रह साल पहले उनकी उम्र पैंतीस वर्ष होगी तो ये लॉजिक है इसको ध्यान रखना है मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात दो अनुपात पाँच है आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु सत्ताईस वर्ष थी तो आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु बताओ यानी आज की आयु तो पहले शुरू करेंगे क्या क्या दिया गया है तो आभा और उसकी माता की आयु का अनुपात दिया गया है दो अनुपात पाँच मतलब आभा के लिए दो और माता के लिए पाँच यहाँ दर्शाया गया है क्योंकि अनुपात में है तो ये संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि अनुपात तो संक्षिप्त रूप है ये तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में हमें मानना पड़ेगा एक अचर पद से गुड़ा करके हमें उनकी आयु माननी पड़ेगी तो आभा के लिए दो है इसलिए माना आभा उसकी माता के वर्तमान आयु का अनुपात दो अनुपात पाँच है ये तो प्रश्न में दिया गया है तो माना आभा की वर्तमान आयु दो एक्स होगी दो दिया है इसलिए दो एक्स है मान लिया और माता की आयु हो जाएगी पाँच एक्स वर्ष जब इनकी दो एक्स माना तो उनकी पाँच एक्स और इनका अनुपात लेंगे दो एक्स पाँच एक्स तो दो अनुपात पाँच ही आएगा ये हमने मान लिया कि आभा की वर्तमान आयु दो एक्स वर्ष है और माता की आयु पाँच वर्ष है पाँच एक्स वर्ष है अब ध्यान से समझने की बात है आभा के जन्म के समय माता की आयु क्या होगी तो आज आयु है पाँच एक्स वर्तमान आयु और आभा की आयु दो एक्स है यानी दो एक साल पहले यानी पाँच एक्स में से दो एक साल कम हो जाएगा तो माइनस दो एक्स ये हो गया माता की आयु आभा के जन्म के समय क्योंकि आभा की उम्र निकाल दी गई तो ये माता की आयु हो गई जन्म से जन्म किस समय किसके जन्म के समय आभाग्य तो प्रश्न अनुसार अब क्या है तो हमने निकाला कि जन्म के समय माता की आयु पाँच एक्स माइनस दो एक्स है जबकि प्रश्न में दिया गया है जन्म के समय माता की आयु सत्ताईस वर्ष थी अर्थात पाँच एक्स माइनस दो एक्स जो है ये ये सत्ताईस वर्ष के बराबर है यहां समीकरण बनाना इंपॉर्टेंट है तो हमारे हिसाब से दो एक्स और पाँच एक्स के हिसाब से माता की आयु पाँच एक्स में से दो एक्स निकाल दिया तो उसके बराबर होगी और यही संख्या किसके बराबर है प्रश्न में दिए गए सत्ताईस वर्ष के बराबर है एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ जैसे मान लो मेरी आयु दस वर्ष है आज और माता की आयु चालीस वर्ष है आज तो दस साल पहले माता की आयु कितनी होगी तो चालीस में से दस कम हो जाएगा ना यानी चालीस माइनस दस तीस वर्ष रहेगी बराबर ना ठीक ऐसे यहाँ पर भी है कि आज आभा की आयु दो एक्स है माता की आयु पाँच एक्स है तो दो एक्स वर्ष पहले माता की आयु पाँच एक्स माइनस दो एक्स हुआ और यह प्रश्न दी गई जानकारी के हिसाब से सत्ताइस के बराबर है तो समीकरण बन गया अब हल करना आसान हो गया घटाएंगे थ्री एक्स इजल टू ट्वेंटी सेवन इसको सरल करेंगे थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन को तो बन जाएगा एक्स इजल टू ट्वेंटी सेवन अपॉइंट थ्री सत्ताईस बटे तीन और यह बन गया एक्स इजक्वल टू नाइन एक्स का मान नौ आ गया तो आभा की वर्तमान आयु तो दो एक्स थी यानी दो गुड़े नौ यानी अट्ठारह वर्ष हो गई आज की आयु और मम्मी की आयु कितनी हुई माँ की आयु माता की पाँच एक्स मतलब पाँच गुड़े नौ मतलब पैंतालीस वर्ष चेक कर लीजिए आज वर्तमान आयु आभा की अठारह है और माता की पैंतालीस है आभा का जन्म हुआ था अठारह था वर्ष पहले यानी उस समय माँ की आयु कितनी होगी पैंतालीस में से अट्ठारह निकाल दीजिए सत्ताईस और प्रश्न में सत्ताईस दिया ही गया यानी हमने चेक कर लिया तो बच्चों अनुपात के प्रश्न जानकारी अभी यहाँ खत्म हुई हम समानुपात का केवल परिचय ले लेते हैं समानुपात क्या होता है बहुत सिंपल सी बात है कि अगर चार पद ए बी सी डी है हमारे पास चार घटक और उनमें ए और बी का जो अनुपात है ए बटे बी वो अगर सी और डी अनुपात के बराबर है यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो हम कहेंगे कि ये चारों जो है समानुपात में है यानी अनुपात समान है ओके ये समानुपात में है और ऐसे अनुपात जो समान होते हैं यानी बटे का रूप जब समान होता है तो ऐसे समानुपात को डायरेक्ट प्रोपोर्शन या प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं सिंपल सी बात है चार पद हैं पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा हो तो यह प्रत्यक्ष समानुपात में होते हैं इतना ही ध्यान रखिए उसी प्रकार अगर ए बी सी डी चार पद हैं और ए गुड़े भी यानी पहले दूसरे पद का गुड़न फल बराबर हो तीसरे चौथे के गुड़न कल के यहाँ अनुपात पट्टे के रूप में नहीं है ये गुड़ा के रूप में अगर ये गुड़नफल ए गुड़े बी बराबर सी गुड़े डी हो तो भी ये समानुपात में है लेकिन ये इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष समानुपात विद क्रमानुपाति है ये तो बटे के रूप में हो तो प्रत्यक्ष समानुपात और अगर गुणनफल फल के रूप में हो तो अप्रत्यक्ष समानुपात होता है तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता तो जैसे ही हम दो बार तीन बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा तो अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए थैंक यू